नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल CSE योजना। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अपने CSE पोर्टल से किस प्रकार से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों पैन कार्ड री इश्यू करना है, आपने डुप्लीकेट इश्यू करना है और उसके बाद दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है, ना तो पैन कार्ड की कोई फोटोकॉपी है, ना उनके पास कोई भी नंबर है पैन कार्ड का, तो दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने CSE पोर्टल से पैन कार्ड री इश्यू करना है, डुप्लीकेट अप्लाई करना है। अगर दोस्तों उसमें कुछ करेक्शन करनी है वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन और दोस्तों, अगर आपने सिर्फ डुप्लीकेट ही री इश्यू करना है बिना कोई डॉक्यूमेंट्स में, तो वो भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। वैसे दोस्तों, अगर आप CSE संचालक हैं तो आपको पता होगा कि आपके CSE पोर्टल में NSDL की सर्विस को भी लाइव कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों उसमें सारी सर्विसें हमें अभी तक नहीं मिली। सिर्फ उसमें इंडिविजुअल जो होता है एक ही पैन कार्ड अप्लाई होता है। और दोस्तों UTI की तरफ से आपको कई तरह के आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, फर्म का पैन कार्ड या फिर किसी भी प्रकार का पैन कार्ड आप अपने UTI से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको किस प्रकार से अपने पैन कार्ड में करेक्शंस करनी है, UTI से पैन कार्ड के करेक्शन के लिए आपको किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने दोस्तों अपने चैनल पे पहले से वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप UTI से कोई फर्म का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से किसी फर्म का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं CSE UTI से। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड री इश्यू करना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने CSE पोर्टल पे और इसमें दोस्तों हम जाएंगे सबसे पहले सर्विसेज में और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे UTI और उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड EKYC सर्विस पे हम क्लिक करेंगे, हमें रिडायरेक्ट कर देगा UTI की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे अप्लाई चेंज एंड करेक्शन वाले ऑप्शन पे। इसमें दोस्तों है सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन रिक्वेस्ट फॉर चेंज एंड करेक्शन डाटा, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आ जाता है, सबसे पहले पैन कार्ड एंटर करना होता है जो आपने री इशू करना है, डुप्लीकेट इशू करना है। और दोस्तों अब बात आती है कि अगर कस्टमर के पास ना तो पैन कार्ड नंबर है और ना ही पैन कार्ड नंबर की कोई फोटोकॉपी है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, अपने कस्टमर को उसका जो नज़दीक की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस होगा वहाँ पर उसको भेज देना है। वहाँ पे उसको जो इसका पैन कार्ड नंबर होगा वो दे दिया जाएगा, मतलब उसको आधार कार्ड वहाँ पे लेके जाना है, जो उस आधार कार्ड पे जो भी जो पैन कार्ड इशू हुआ होगा वो उसको नंबर लिखकर दे देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ उसका पैन कार्ड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर री एंटर में पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट कोई साथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा किस प्रकार से करना है। उसके बाद आपको बोथ फिजिकल एंड ई पैन पे सिलेक्ट करने देना है और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने जो करेक्शन वाला फॉर्म है और डुप्लीकेट री इशू वाला फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसमें क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले टाइटल चूज़ करना है, कुमारी, मिस्टर, श्रीमती, श्री, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले लास्ट नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर दोस्तों इसमें आपने कोई करेक्शन करनी है तो आप यहाँ पर टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद जैसे हम देखेंगे कि हमारा जो पैन कार्ड में पहले क्या नेम था, आप नीचे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले इस पैन कार्ड में क्या नेम था। उसके बाद आपको फादर नेम यहाँ पे एंटर करना है, सबसे पहले लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि उसके पैन कार्ड में पहले फादर नेम क्या था। और उसके बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे फादर नेम, आप पैन कार्ड पे फादर का नेम चाहते हैं या फिर मदर का नेम चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल, और इसमें आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी स्टेट से हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा और जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे उसके बाद आप जैसे ही बार क्लिक करेंगे तो आपको फिर से अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो एंटर करना होगा। और उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड में क्या नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ये सारी डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग फिलअप करनी है, ठीक है। जिस भी चीज़ की आप करेक्शन करना चाहते हैं उसके सामने जो टिक बॉक्स लगा हुआ है आप वहाँ पे टिक करेंगे और उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप लास्ट में अटैच करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड में करेंगे, ठीक है। इसमें हमने कोई भी करेक्शन नहीं करनी, सिंपली हमें यहाँ पर सिर्फ री इशू करना है, तो हम यहाँ पर किसी पर भी टिक बॉक्स नहीं करेंगे, आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना।
देना है। उसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ जाती है, जिसमें दोस्तों आप आइडेंटिफिकेशन में क्या प्रूफ दे रहे हैं, एड्रेस प्रूफ में और डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रूफ है, इसमें सभी में आप आधार कार्ड रहने देंगे, हम आधार कार्ड दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हमारे सामने जो पैन कार्ड हम यहाँ पे री इशू कर रहे हैं उसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो हम यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास पैन कार्ड की फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी चूज कर लेंगे और फोटोकॉपी अपलोड कर देंगे। हमारे पास कोई भी यहाँ पे प्रूफ नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली नो डॉक्यूमेंट कर देंगे। उसके बाद हम जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको रिडक्ट कर देगा ये सीएससी वैलेट पे। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले अपना सीएससी का पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद आपको वैलेट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना जो सीएससी का पिन है वो आपको एंटर करना होगा। और दोस्तों आपके वैलेट से इसमें 97 रुपये कटते हैं और आपकी जो रिसिप्ट आती है वो 107 रुपये की रिसिप्ट बनकर आ जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है, इसे आप ओके करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस पे चूज़ करना है, ऑफिस का एड्रेस या फिर रेजिडेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर एड्रेस अपना फिलअप कर देना है, जैसे आपका फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर, ठीक है, आपके विलेज का नेम, आपकी पोस्ट ऑफिस का एड्रेस, आपका सब डिवीज़न और आपकी सिटी का नेम, ठीक है, और आपका पिन कोड। ये आपको अपने अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देना है, इसी एड्रेस पे आपका जो पैन कार्ड है बाई पोस्ट आएगा, तो ये आपको ध्यान से एंटर करना है। इन कंडीशन अगर आपके पैन कार्ड में पहले एड्रेस कोई और था, अभी आप कोई और देना चाहते हैं, तो आप टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अपना एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। उसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद आपको अपनी जो मेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। इसी मेल आईडी पे आपका 2 दिन में या 3 दिन में आपका बन के जो पैन कार्ड आ जाएगा, पीडीएफ फाइल आ जाएगी, तो आपको ध्यान से अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों मेरे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपका फोटो और सिग्नेचर पे टिक रहने देना है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपकी फोटो और सिग्नेचर अपडेट हो जाए तो आपको यहाँ पे टिक रहने देना है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे टिक को हटा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है, एक नंबर पे। और उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं, इसमें दोस्तों आई और वी पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पे अपना नाम आ जाता है। उसके बाद आप इसमें कितने डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे सिटी का नेम एंटर कर देना है, डेट ऑटोमेटिक रहती है। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपकी जो रिसिप्ट आपके सामने आ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों आपका ऑनलाइन जो पैन कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने होते हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी है और किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दोस्तों जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑफलाइन वाले तैयार किए होंगे, जिस पे आपने कस्टमर के सिग्नेचर करवाए हैं, उसको फॉर्म को आपको इसमें स्कैन करना होता है। स्कैन करने के लिए आप दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इजीली आपके स्कैन हो जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है नोट अनोदर पीडीएफ स्कैनर 2, ठीक है, इसमें आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो जो आपके पीसी के साथ स्कैनर अटैच होगा वो आपके सामने आ जाता है। इसमें दोस्तों आप उसकी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप एडिट पर क्लिक करेंगे, इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले 600 DPI पे स्कैन करना होता है, जो इसमें सिग्नेचर स्कैन होते हैं, और 300 DPI पे आपको फोटो स्कैन करनी होती है, और 200 पे आपको जो कंप्लीट फॉर्म है वो स्कैन करना होता है। इस प्रकार दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर से जो अपना फॉर्म है स्कैन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अच्छे से सेट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से अप्लाई पे आना है, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे आना है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा उसका सामने आपकी डिटेल आ जाती है, उसके बाद सामने आपको अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कंप्लीट फॉर्म है उसकी एक PDF आपको अपलोड करनी होती है, जिसके लिए दोस्तों मैंने पहले से इस प्रकार से जो PDF है बनाकर रख रखी है, जिसमें सबसे पहले एक फॉर्म आता है, उसके बाद आपको आधार कार्ड इसमें अटैच करना होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड की फोटोकॉपी है तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं चूज फाइल पे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पे फोटो अटैच करनी होती है, उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पे अटैच करने होते हैं। इनके दोस्तों आपको साइज आप कोई भी ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे, वेबसाइट उस पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों आप जो अपना पैन कार्ड री इशू का अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।